अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास 130 पेज पे आज हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन की, अ लीनियर इक्वेशन इन वन अननोन वेरिएबल एक्स इज़ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की हमें पावर 1 दी गई हो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 7.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स और नाइन्थ, टेंथ पार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2/3x - 1/2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/6। अपनी कॉपीज़ पे एक्सरसाइज और क्वेश्चन लिखने के बाद आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करोगे। दोनों साइड्स पे हम एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास 6 आएगा। इसी तरह राइट साइड पे भी 6 ही एलसीएम होगा, 3 2 6 होता है, इसलिए 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया। नेक्स्ट 2 3 6 होता है, 3 को 1x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया। दूसरी साइड पे भी x के फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं है, इसलिए 6 डायरेक्ट x से मल्टीप्लाई होगा, 6x आएगा। प्लस 6 और 6 की कटिंग के बाद 1 सेम एज हम लिख लेंगे। अगले स्टेप में हम इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 4x - 3x आ जाएगा और दूसरी साइड पे भी 6 × 6x + 1 आएगा। 4x में से 3x माइनस करके हमारे पास x आएगा और दूसरी तरफ 6 से मल्टीप्लाई करके 6 × 6 = 36x और 6 × 1 = 6 लिख लेंगे। एक तरफ हमारे पास 6x है, दूसरी तरफ 36x + 6 है। सिंपल वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे और वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे। हमारे पास -6 = 36x - 6x आएगा, माइनस करके 30x और दूसरी तरफ -6 है। 30 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी -6/30 = x। इसी तरह 6 और 30 की अगर 6 के टेबल से कटिंग कर दी जाए तो यहाँ हमारे पास -1/5 बचेगा इज़ इक्वल टू एक्स। यही इसका सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद आप इसी तरह इसका सेकंड और फिफ्थ पार्ट आज होमवर्क में करोगे, इंशाल्लाह आगे हम कल काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।